वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टेटमेंट ये है कि सॉल्व द लॉग इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। लॉग इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको चेक भी करेंगे कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर है लॉग ब्रैकेट में 3x माइनस 10 इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स। तो हमारे पास दोनों जो है ना साइड्स पे लॉग है, तो लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा 3x माइनस 10 और यहाँ पर क्या रह जाएगा 6 माइनस एक्स। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x है यहाँ पर और हम इस x को भी यहाँ पर ले आते हैं। ये x इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पर जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 का 6 है, ये वाला 10 इधर से इधर ले आएंगे लेफ्ट से राइट साइड पे। इधर नेगेटिव 10 है, इधर आके पॉजिटिव 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाना है, 3x में x को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 4x आ जाएगा। 6 में 10 को ऐड करें तो हमारे पास होता है 16। और फिर हमारे पास है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इधर ही रहेगा और 16 इधर रहेगा, 4 इधर इसके साथ एज ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 16 और 4 को डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चेकिंग की हेडिंग दे देते हैं। अब चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पर पुट करते हैं। तो पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, पहले तो राइट कर लेते हैं ना, 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। और यहाँ पर हम x जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 पुट करते हैं। और पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक है। 3 का 3 आ गया, x की जगह हमें 4 पुट करना है माइनस 10 और यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करना है 4। 4 × 3 हमारे पास होता है 12 माइनस 10। 6 में से 4 को माइनस करो तो 2 आता है और 12 में से 10 को माइनस करो 2 आता है, तो 2 = 2 होता है। तो इसका मतलब है ये जो आंसर है ये ठीक है एक्स के लिए। चेक हम इस तरह से करते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको पुट कर दो इसमें, ठीक है, कैंसिलेशन के बाद इसमें। और फिर अगर पुट करने पे आंसर लेफ्ट और राइट साइड का इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये वाला आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया। इसको हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ओके, तो होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर लो, लॉग जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।